नमस्कार, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं सुबह, मुझे आज इतना काम तो है नहीं, लेकिन जो भी काम है बहुत इंपॉर्टेंट था। कल क्या हुआ कि दो लड़के जो मेरे केआई के अंदर काम करते थे, उनकी सुपरवाइजर से कुछ बातचीत हो गई, तो उनको उन्होंने गेट पास दे दिया और वो आगे कंपनी से वापस। रात को मेरे को पता लगा, मैंने रात को अपने HR में डिपार्टमेंट ला के देखा, चलो ठीक है, वहाँ पे टाइम लगेगा मेरे को आज। और अभी एक आदमी को भर्ती कराना है कंपनी के अंदर, तो उसको पिक करने जा रहा हूँ यहाँ से। उसने बोला है कि मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पर जाके उसको कई कंपनी में भर्ती कराऊँगा। तब तक बस निकल जाएंगे मेरी घर बाहर, हो जाएगा सेटल टाइम। लेकिन जिसको मैं भर्ती कराऊँगा तो मेरे को वापस नहीं छोड़ना है। और फिर डिस्कशन मीटिंग हुई इधर से कहीं, उसको टाइम मुझे पता है 1 घंटा, तो गलती कहीं होगा उसको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। और अभी मेरे एक लड़के से बात नहीं थी, क्योंकि पहले सैटरडे को मैंने मंडे का टाइम वो भी दो बजे के बाद टाइम, तो वो भी मेरे को कॉल करेगा, उसको भी मैं मीटिंग वगैरह करवा के उसका प्रोसेस स्टार्ट करवाऊँगा। और मैं बस पहुँच गया जहाँ पर मेरे को जाना है। और बात उसको कहीं गौ माता के दर्शन हो रहे हैं, टाइम के सीख दे रहे हैं कितने बड़े लग रहा है यार। तो भाई मैं सुबह कम ही चला गया था, आपको दिखाया था मैंने, तो वहाँ पर मैंने कम से कम 1 बजे तक रहा मैं वहाँ पे। और क्योंकि लड़का भर्ती कराना था, आपको बताया था मैंने, उसको कराने के बाद फिर मैंने दो लड़कों को जो कल रात को घर चले गए थे वापस बिना काम करे, उनकी मीटिंग करवाई, फिर वहाँ सेटलमेंट करवा के वापस घर आया खाना खा के। और असूल जो मेरा एक एपिसोड बचा था, मैं 3-4 दिन लगातार देख रहा हूँ, वो देखा और सो गया। फ़ोन भी मैंने फ्लाइट मोड डाला, वो चार्जिंग में लगाया, सो गया। उसके बाद फिर आप उठाऊँ, मेरे पास फ़ोन आया था कंपनी से कि आ जाओ बिल बना जाओ कोर्ट से, तो मैं सुबह से गया उस कंपनी में, अब वहीं पे जा रहा हूँ बिल बना के वापस आऊँगा। तो ये छोटा मोटा काम आज मतलब ख़त्म हो गया, कल के लिए कुछ ऐसा कुछ काम है नहीं मेरे पास में, तो मैं थोड़ा सा फ्री हूँ अब, रिलैक्स मोड में आ चुका हूँ, मतलब कि वैसे काम के लिए। बाकी मेरे को अपना जो मैंने सोच रखा है उस पर काम करना है, वो मैं करता रहूँगा। तो मैं अब चलता हूँ कंपनी, चलो कंपनी चलते हैं, आज बिल बना के आएंगे। ये देख कंपनी में बिल बन चुके हैं, अब चलते हैं घर। हाँ भाई, किसी का कुआं पूजन था, वहाँ गया था मम्मी मैं और मेरे भांजा भांजी, उनको मैं छोड़ आया। बहुत भीड़ सी हो रही थी और सफोकेटेड माहौल सा हो रहा था, गर्मी लग रही थी। मैंने कहा मैं तो जितना खा चुका हूँ, खाना तो खा चुका हूँ, अब तुम खाना जितना खा के आ जाओ। मम्मी बहुत ही खाना खाती है, तो वो कुछ खा के आ जाएंगी, बस आ ही जाएंगी पीछे पीछे, मैं पास में ही है तो वो अकेले आ जाएंगी। मैं जा ही रहा हूँ घर, मैं पहुँच जाऊँगा। और अभी मैंने ये नोटिस किया, ब्लैक ड्रेस में मैं सेक्सी सा ही दिख रहा हूँ। रात को भी सब सो रहे हैं और मेरी आँख खुली, मैंने देखा बारिश आ रही है और वहाँ हमारी गाय बेचारी खड़ी है आके। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। अरे राम, बहुत गर्मी हो रही है, मेरे को फरीदाबाद जाना किसी पापा के पर्सनल काम से, इनकम टैक्स ऑफिस जा रहा हूँ बस, ठीक है। और गाड़ी बहुत गर्म हो रही है, गाड़ी को हमको पास में पार्क करके वहाँ से बस में जाना है, इतनी गर्मी में बस में जाना पड़ेगा। गाड़ी की कोई कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम उसको फरीदाबाद की बिहारी से बाहर ले जाए। तो करते दिन की शुरुआत आप लोगों के साथ।
बल्लभगढ़ बल्लभगढ़।